गुड मॉर्निंग टू एवरी वन, वेलकम टू स्कूल ऑफ कंपटीशन। आज देखिए हम लोग डिवाइड पढ़ने वाले हैं। ये नवोदय के लिए बहुत जरूरी है। देखिए डिवाइड का सिंबल ऐसा भी होता है, मान लीजिए 76 को डिवाइड कर रहे हैं 5 से। कभी कभी आप इसी को ऐसा भी देखते होंगे, दोनों एक ही चीज़ है, घबराना नहीं है, दोनों एक ही चीज़ है। अब ये देखिए 5 को डिवाइड करेंगे तो 5 1 5, ये 2 बचा, इसको माइनस करते हैं, फिर ये ऊपर से 6 आया और 25, ये कितना हो गया 1। अब देखिए जो एक बचा उसको क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? शेषफल। क्या बोलते हैं? शेषफल। ये जो 15 है इसको क्या बोलते हैं? क्वेशेंट। क्या बोलते हैं? क्वेशेंट मतलब भागफल। क्या इसको बोलते हैं? भागफल। ये हो गया हमारा डिवाइजर। क्या हो गया? डिवाइजर। और ये क्या हो गया? डिविडेंट। डिविडेंट देखिए ये हो गया हमारा डिवाइजर, ये हो गया डिविडेंट, जिसको भाग दे रहे हैं वो हो गया हमारा डिविडेंट, और जिससे भाग दे रहे हैं वो हो गया हमारा, ये भागफल है क्वेशेंट। देखिए इसको हिंदी में बोलते हैं भाज्य, और ये होता है भाजक। क्या होता है? भाजक। अब देखिए इसका एक फॉर्मूला आपको आता हो ऐसा देखते होंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ये देखिए यदि हमको 76 लाना है, 76 लाना है, तो आप बताइए कैसे 76 ला सकते हैं? तो बोलेंगे 5 और 15 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 और 15 को गुना करेंगे। ठीक है, 5 और 15 को गुना कर दिए तो कितना हो गया? 75। और ये प्लस 1 कर दिए, क्यों? क्योंकि रिमाइंडर है, तो कितना होगा? 76। मतलब ये कि हमको डिविडेंट निकालना हो तो क्या करेंगे? डिवाइजर इंटू क्वेशेंट प्लस रिमाइंडर। मतलब डिविडेंट निकालना है तो डिवाइजर इंटू क्वेशेंट प्लस रिमाइंडर।